हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी फोल्डर्स में। आज हम आपको इस वीडियो में एक ज़बरदस्त मोबाइल एंटीवायरस के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि आज के डेट में हर एक के पास होना चाहिए। तो प्लीज़ इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए ये जानने के लिए कि ये एंटीवायरस आपके लिए कितना यूज़फुल साबित हो सकता है। दोस्तों, आज हम सारे काम कोशिश करते हैं ऑनलाइन मोबाइल के ज़रिए हो जाए, क्योंकि ये मोबाइल जो है आज के डेट में स्मार्टफोन हर एक के पास होता है। और हम इवन कोशिश हम लोग यही करते हैं कि हमें कहीं जाना ना पड़े, तुरंत हम मोबाइल का इस्तेमाल करें और कोई भी काम हमारा ऑनलाइन तुरंत हो जाए। तो दोस्तों, उसके साथ साथ आपका खतरा भी उतना बढ़ जाता है, क्योंकि जितना आप ऑनलाइन फ्रॉड करना आसान हो गया है, फिजिकल से कहीं ज़्यादा आसान हो चुका है। ये खतरा कैसा होता है? आपकी पर्सनल डाटा चोरी होने का है, क्योंकि आज के डेट में साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड बहुत बढ़ गया है। आप आए दिन न्यूज़ में, अब पेपर में देखते रहते होंगे, पढ़ते रहते होंगे कि आज इसका इतना पैसा चोरी हो गया या इतना पैसा जो है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के ज़रिए फ्रॉड हो गया। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उस एंटीवायरस के बारे में जिसका नाम है बिट डिफेंडर मोबाइल सिक्योरिटी। ये बट दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत मेहनत लगता है ऐसी यूजफुल वीडियो को बनाने में। और जिन्होंने मेरा चैनल अब सब्सक्राइब कर लिया है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं बिट डिफेंडर मोबाइल सिक्योरिटी को आप जो है कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इसके फीचर के बारे में। ओके दोस्तों, तो हम बिट डिफेंडर मोबाइल सिक्योरिटी को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले अपना जो है मोबाइल पे आते हैं, और मोबाइल पे प्ले स्टोर आपको दिख रहा है, प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको सिंपल यहाँ पे सर्च करना है बिट डिफेंडर मोबाइल सिक्योरिटी। जैसे आप सर्च करेंगे, उसका इस तरह से आप देख रहे हैं इंटरफेस आएगा, ठीक है। एक्चुअली मैंने इसे डाउनलोड कर रखा है, इसलिए यहाँ पर ओपन का ऑप्शन दे रहा है, लेकिन जब आप इसे पहली बार डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। तो ये बिट डिफेंडर मोबाइल एंटीवायरस है, ठीक है। इसकी रेटिंग देख सकते हैं आप, 4.7 है आपका। 10 मिलियन प्लस जो है इसको डाउनलोड कर चुके हैं, और नीचे ये देखिए लिखा हुआ है बिट डिफेंडर मोबाइल सिक्योरिटी बेस्ट एंड्रॉयड सिक्योरिटी प्रोडक्ट 2015, 2016, 2017 एंड 2020। मतलब कि ये पिछले लगातार 4 सालों से अवार्ड विनिंग रहा है। इसका मतलब साफ़ है दोस्तों कि ये बहुत ही अच्छा काम करता है। ये आपके मोबाइल को पूरी तरह से सिक्योरिटी प्रदान करता है, और इसके बारे में लिखा हुआ भी है, देखिए 100% प्रोटेक्शन प्रदान करता है, 0 इम्पैक्ट ऑन बैटरी लाइफ एंड फ्री VPN। मतलब बैटरी पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं डालता है। जैसे कई एंटीवायरस होते हैं ना, कि हम एंटीवायरस जैसे डाउनलोड किए वो बैकग्राउंड में चलता रहता है और आपके बैटरी को रिड्यूस करता रहता है, बट इसमें वो चीज़ नहीं है। क्योंकि इस चीज़ को मैं खुद इस्तेमाल कर रहा हूँ, इस्तेमाल करने के बाद ही मैंने ये सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ, आपको भी इस चीज़ को इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा, एक फ्री VPN भी मिलता है, जो कि मैं तो इसे इस्तेमाल नहीं करता हूँ, लेकिन कई लोग इस्तेमाल करते हैं, तो मैं आगे वीडियो में आपको बताऊँगा कि इसका क्या यूज है। तो चलिए, जैसे आप इसे इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद आप ओपन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ओपन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ईमेल आईडी के ज़रिए लॉगिन करने का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। और हाँ दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट बात, सबसे पहले ये आपका एक्टिव नहीं होगा, ठीक है। अगर आप कोई भी एंटीवायरस एक्टिव लेते हैं, मतलब उसका सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, उसके सारे फंक्शन वर्क करते हैं। अदरवाइज अगर फ्री का आप इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें बहुत लिमिटेड होते हैं सिक्योरिटी फीचर, जो कि हमारे पूरी तरह से प्रोटेक्शन नहीं देता है। तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस चीज़ को ओनली 75 या 80 रुपीज़ के आसपास इसका प्राइस है। मैं आपको एक वेबसाइट बताऊंगा जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, सॉरी परचेज कर सकते हैं, बहुत ही कम कीमत में। और मैं डेफिनेटली कहूँगा दोस्तों, आप एक बार इस एंटीवायरस को इस्तेमाल करें और हमें कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये कैसा लगा एंटीवायरस इतना चीप रेट में। आई थिंक, मेरे को नहीं लगता है कि कोई एंटीवायरस होगा मोबाइल के लिए। तो जैसा देख रहे हैं दोस्तों, ये 47 ऐप्स हैं जिसको ये कंटिन्यू हमारे ऐप्स को जो है बैकग्राउंड में स्कैन कर रहा है। जैसा कि
43 ऑटोमेटिक स्कैनिंग हो रहा है एंड 4 मैनुअल स्कैन पे डाला हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम इसके डैशबोर्ड की ओर। तो पहला ये देखिए, सबसे नीचे में आप देख रहे हैं डैशबोर्ड है। ठीक है, डैशबोर्ड के साइड में जो है, अब इसके फीचर के बारे में जानते हैं कि ये किस किस से हमारे को फीचर सिक्योरिटी प्रदान करता है। तो क्लिक करते हैं, देखिए दोस्तों एकदम क्लियर लिखा हुआ है, योर डिवाइस इज क्लीन, लास्ट स्कैन 21 मिनट्स एगो, नो इशू वेयर फाउंड। अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 जो है ये प्रकार से जो है सिक्योरिटी हमारे एंड्रॉयड डिवाइस को प्रदान करता है। पहला मालवेयर जो कि आप लोग भी जानते हैं, कोई भी वायरस हो इससे आपको ये प्रोटेक्ट करता है, कोई भी वायरस हो उससे ये जो है एंटीवायरस आपके डिवाइस को प्रोटेक्ट करता है। दूसरा एक पॉपुलर जो है वायरस है जो कि आपने नाम सुना होगा, आपने इसका नाम सुना होगा, ये बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट किया था इंडिया में भी। इवन एक्चुअली ये होता क्या है, रैंसम वायरस जो है इज ए टाइप ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर जिसका उपयोग साइबर क्रिमिनल आपके खुद के डाटा को ब्लॉक करके उसे यूज करने से रोकता है। सपोज दैट आपने कोई भी काम किया किसी ऐप में, ठीक है, वो उस ऐप को ही क्या कर देगा, लॉक कर देगा ताकि आप उसका इस्तेमाल ना कर सके, और वो फिर क्या करेगा, आपके पूरे डिवाइस को अफेक्ट करता रहेगा और अंत में आपका डिवाइस जो है क्रैश कर जाएगा। तो ये उससे भी सुरक्षा प्रदान करता है, सोच लीजिए। तीसरा है PUA, PUA का मतलब होता है पोटेंशियल अनवांटेड ऐप्स, या आपके प्राइवेसी और डिवाइस सिक्योरिटी को अफेक्ट करता है, ठीक है, तो ये उससे भी बचाता है। चौथे आते हैं एडवेयर, एडवेयर का मतलब आप लोग जानते ही होंगे, एडवेयर जो भी एक प्रकार का मुफ्त सॉफ्टवेयर है जो विज्ञापनों द्वारा समर्थित होता है। आपने देखा होगा कि एक फ्री का ऐप हमने इंस्टॉल किया मोबाइल में और उस पर कई बार बार एड्स आते रहते हैं, और यह ऐड आपको किसी पार्टिकुलर लिंक या वेबसाइट पे जाने के लिए बोलता रहता है, और आप गलती से कई बार चले भी जाते हैं, बाद में पता लगता है कि वो तो एक मैलिशियस वेबसाइट था। तो ये चीज़ जो है आपको उससे भी बचाएगा। चौथा आते हैं मॉनिटर ऐप्स का मतलब है कि ये आपको जो है मॉनिटर ऐप जो होते हैं वो आपके एक्टिविटी को क्लोजली ट्रैक करते रहते हैं एक जासूस की तरह, तो उस चीज़ से भी ये एंटीवायरस जो है आपको प्रोटेक्ट करेगा। और आगे बढ़ते हैं तो आता है ऑब्फुस्केटेड का मतलब है ये जो है ऐसे ऐप्स होते हैं जो कि स्पेशल एक टेक्निक के जरिए क्या करते हैं, अपने इंटेंशन को हाइड कर देते हैं। तो ऐसा ऐप जो है स्पेसिफिक टेक्निक की मदद से जो है अपना इंटेंशन, कहने का मतलब कि इसका इंटेंशन है कि आपके डाटा को चोरी करना, ठीक है, लेकिन वो आपको पता नहीं लगने देने का और आपके डाटा को आसानी से चोरी कर देगा, तो ये उस चीज़ से भी बचाता है। नेक्स्ट आते हैं बैंकर, बैंकर आप बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं बैंकर ऐप, और आपका ये सबसे सेंसिटिव डाटा होता है और इसका चोरी होना मतलब कि आपका फाइनेंशियल लॉस होना होता है। आप भी बैंकिंग ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, SBI का हो, PNB का हो, क्रेडिट कार्ड का हो, आप क्या करते हैं इसका इस्तेमाल जो है ट्रांसफ़र करने में, ऑनलाइन परचेज में, इन सब चीज़ों में करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आप अपना डाटा फीड करते हैं ना इस ऐप में, तो वो भी एक प्रकार से ऑनलाइन सिक्योरिटी ब्रीच करने वाले तो बहुत सारे बैठे हुए हैं, तो उस चीज़ से भी ये क्या करेगा, आपको प्रोटेक्ट करेगा उस चीज़ से, सिक्योरिटी ब्रीच होने में भी ये सिक्योरिटी ब्रीच होने से सॉरी ये प्रोटेक्ट करेगा एंटीवायरस। नेक्स्ट आते हैं कॉइन मेकर, वेल दोस्तों इसका मेरे को ज़्यादा आइडिया तो नहीं है, सॉरी एक सेकेंड ये मेरा स्किप हो गया, फिर से ओपन कर देता हूँ। हाँ ये आ गया कॉइन मेकर, एक्चुअली दोस्तों इसका मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन आप इसका इस्तेमाल खुद करके बताइएगा। एक्चुअली ये है क्रिप्टो करेंसी इम्पैक्टिंग द बैटरी लाइफ एंड डिवाइस, क्रिप्टो करेंसी का मतलब जैसे बिटकॉइन हो गया, इसी तरह से और भी अलग टाइप के क्रिप्टो करेंसी होते हैं, तो शायद ये उससे चोरी उस चीज़ को भी लॉस होने से आपकी ये प्रोटेक्ट करेगा।
और बैटरी और डिवाइस के लाइफ पे भी कोई इफ़ेक्ट होने नहीं देगा ये एंटीवायरस। और नेक्स्ट लास्ट है हिडन। आपके मोबाइल में बहुत सारे ऐसे ऐप्स होते हैं जो कि हिडन होते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन ये हिडन ऐप क्या होता है, जब भी आप कोई भी मोबाइल को ऑफ किया, कोई भी ऐप को लॉन्च किए, तो साथ साथ वो भी जो होता है आपका ओपन हो जाता है और अपना मैलेशियस टास्क जो है परफॉर्म करने लगता है बैकग्राउंड में, जो कि उसका मेन मोटिव होता है वही। तो ये थे दोस्तों 10 टाइप से ये आपके डिवाइस को सिक्योर रखेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो ये है वेब प्रोटेक्शन। ये आपके बहुत सारे ब्राउज़र होते हैं जो कि मैलेशियस वेबसाइट्स होते हैं, जब भी हम ब्राउजिंग या सर्फिंग करते हैं तो वो जो है मैलेशियस वेबसाइट या फिर कोई भी लिंक होगा उससे ये क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा, उससे भी आपको ये सिक्योरिटी प्रदान करता है। जैसे देख सकते हैं आपके में क्रोम है, ओपेरा है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, डॉल्फिन है, फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी, सैमसंग इंटरनेट, हुवाई ब्राउज़र, ब्रेव, ये इतने प्रकार के जो हैं ब्राउजिंग ऐप है, वेबसाइट जिस पे आप कोई भी चीज़ ब्राउज करते हैं, तो ये उन सब चीज़ों पे भी प्रोटेक्शन देता है, वेब प्रोटेक्शन। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आता है आपका VPN। VPN का मतलब मैं पहले आपको बता देता हूँ। VPN जो होता है, जिसका मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इट मींस कि VPN क्या करता है, इनक्रिप्ट योर इंटरनेट ट्रैफिक एंड डिस्गाइज योर ऑनलाइन आइडेंटिटी। मतलब VPN क्या करता है, इंटरनेट ट्रैफिक को जो है इनक्रिप्ट करता है। मतलब इनक्रिप्ट कहने का मतलब आप कह सकते हैं प्रोटेक्शन देता है, और डिस्गाइज योर ऑनलाइन आइडेंटिटी, आपके ऑनलाइन आइडेंटिटी को भी छुपाता है। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब एक सिंपल भाषा में, अगर कोई थर्ड पर्सन जो है आपके एक्टिविटी को ऑनलाइन और आपके डाटा को ऑनलाइन चोरी करने की कोशिश करेगा या ट्रैक करने की कोशिश करेगा, तो वो अगर आप इस VPN का इस्तेमाल कर रखे हैं, VPN ऑन है आपका, तो वो ट्रैक नहीं कर पाएगा। ये मेन इसका काम होता है दोस्तों। अब आते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, इसका एक मेन फीचर है एंटी थेफ्ट, जो कि आई थिंक सबको इस्तेमाल करना चाहिए। ये होता क्या है, कई बार हम अपने मोबाइल में जो है पासवर्ड या फिर पैटर्न लॉक लगा के रखते हैं, और मेरा कोई भी ओपन करने की कोशिश करता है तो वो आपको क्या करेगा, मैं बता रहा हूँ। जैसे आप इसका होम पेज आप मेरे को देख रहे हैं एंटी थेफ्ट। अब मैंने इस मोबाइल में पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर रखा है, ठीक है। जैसे ही कोई इसको इनकरेक्ट पिन डालेगा, एक बार डालेगा, दो बार डालेगा, ये क्या करेगा, चुपके से उसका फ़ोटो खींच लेगा कि ये कोई अनऑथराइज पर्सन है और इस डिवाइस को अनलॉक करने की कोशिश कर रहा है। जैसे देखिए दोस्तों, ये मेरी बेटी है, इसने मेरे इस मोबाइल को अनलॉक करने की कोशिश किया है, तो चुपके से इसका फ़ोटो खींच लिया गया है, जबकि इसे पता भी नहीं लगा। इवन मेरे को भी नहीं पता था दोस्तों, ये देखिए दूसरा फ़ोटो मेरा भी है, मेरे को भी खुद नहीं पता था कि ये मेरा फ़ोटो कब खींचा गया। शायद मैं नींद में रहा होऊंगा, मैंने भी इनकरेक्ट पिन डाल दिया और इसने मेरा भी फ़ोटो ले लिया। तो ये बहुत ही अच्छी फीचर है दोस्तों। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, समवन ट्राई टू अनलॉक योर डिवाइस, दिस पिक्चर वाज टेकन 11 जून 8:13 पे ये लिया गया है। ये प्रॉपर आपको सारी जानकारी देगा कि किसने किया है, किसने किया है तो नहीं बताएगा, बट आप इमेज के ज़रिए पहचान सकते हैं कि किसने ये किया है। ठीक है दोस्तों, एक और फीचर की बात करते हैं, जिसका है रिमोट लोकेट। आपका सपोज़ दैट फ़ोन चोरी हो गया, कहीं पे गिर गया, ठीक है, आप उसे लोकेट करना चाहते हैं तो आप इस चीज़ को लोकेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लोकेट नाउ, ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आपको ये क्या करेगा, जैसे मैं इसे जूम करके दिखाता हूँ, ये मेरे को जूम करके बताएगा कि आपका ये फ़ोन का लोकेशन अभी कहाँ है। ये देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे ये इंडिकेट करेगा, ये इंडिया आ गया दोस्तों। अब इंडिया में ये देखिए मेरा फ़ोन का लोकेशन कहाँ पे है, ये देखिए दोस्तों, आप जैसा कि देख रहे होंगे
ये न्यू दिल्ली में आपको यहाँ पे ये गोल डॉट सा दिख रहा है ना, ये यहाँ पे न्यू दिल्ली में भी कहाँ है, आप इसे और जूम करते जाएंगे ये दिखाएगा एक्चुअल में कि आपका ये फ़ोन का लोकेशन कहाँ पे है। ये देखिए, आप जितना जूम करेंगे दोस्तों ये आपको दिखाता जाएगा कि ये आपका फ़ोन का लोकेशन कहाँ पे है। तो सॉरी दोस्तों, मैं इसे आपको और जूम नहीं कर सकता सिक्योरिटी पर्पज़ से। ठीक है दोस्तों, अगर ये फीचर आप में कर लेते हैं तो आप अपने फ़ोन को लोकेट करने में मदद मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और भी इसके हैं, रिमोट वाइप है, अगर ये आपका है तो आपका फ़ोन लॉस्ट हो जाता है, किसी के पास चला जाता है, तो इसे आप रिमोटली जो है अपने सारे डाटा को किसी और फ़ोन में रिस्टोर कर सकते हैं, या इसे आप पूरा रीसेट मार सकते हैं। और दूसरा ये है स्क्रीन है दोस्तों, स्क्रीन ये एक्चुअली होता क्या है कि सपोज़ दैट आपका फ़ोन कहीं लॉस्ट हो गया, गिर गया है, आप उसे लोकेट करेंगे तो जैसे ही उस फ़ोन के पास आपका लोकेशन जाएगा, उस फ़ोन के पास आप पहुंचेंगे तो ये एक बीप साउंड करने लगेगा कुछ इस प्रकार से, जिससे आप समझ जाएंगे कि मेरा फ़ोन यहाँ पे, जैसे देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो इस तरह से अलार्म बजने लगेगा कि फ़ोन आपका यहाँ पे है, तो आपको आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने इसके एक एक फ़ीचर सारे बता दिए, आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त ही ये इसका फ़ीचर है, और मैं इसे 1 महीने से इस्तेमाल कर रहा हूँ दोस्तों। तो आपको भी मैं सलाह दूंगा कि प्लीज़ आप इसे इस्तेमाल करें, और आपको ये एंटीवायरस कैसा लगता है हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं दोस्तों। इसका लिंक जो है, मैं आपको सब्सक्रिप्शन लेने का लिंक जो है वो वेबसाइट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, जहाँ से आप इसे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं काफ़ी चीप रेट में। तो वेल दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए जब भी ऐसी वीडियो लाएं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों आपसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।